ये दुर्भाग्य है। ये मैं बोलना चाहूँगा कि चुनाव में विभिन्न पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतते विभिन्न दल के लोग हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी एक पार्टी का विधायक नहीं होता है या फिर सांसद नहीं होता है, वो पूरे जिला का होता है, वो पूरे क्षेत्र का होता है। अगर पूर्व के विधायक के द्वारा ये बनाया गया है और वर्तमान विधायक ने इसका काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं किया, उसके कारण ये खंडर हुआ। अगर उस टाइम के वर्तमान विधायक पूर्व के विधायक के द्वारा बनाए गए जितने भी हॉस्पिटल थे, 16-17 हॉस्पिटल थे, तो आज कोरोना काल में जो स्थिति बनी थी, खैर हम लोग ने तो बेरमो विधानसभा में इसको कंट्रोल किया, लेकिन जो कोरोना काल में स्थिति बनी थी उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे और बेहतर तरीके से। अब मेरा कार्यकाल है, 1.5 साल का कार्यकाल बचा है, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, ये हम लोग इसीलिए आज दौरा कर रहे हैं। और मेरे पिताजी का सोच ही यही था कि चंदपुरा प्रखंड में एक भी अस्पताल नहीं था, इसको 26 बेडेड हॉस्पिटल्स में हम लोग ने इसका निर्माण कराया था, और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी आप जाके देखिए कि किस हिसाब से मॉडर्नाइज तरीके से इसका डिज़ाइन हुआ था, एक एक सुविधा, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हॉस्पिटल्स हम लोग खोल देते हैं लेकिन डॉक्टर्स वहाँ पर रिसाइड नहीं करते, वहाँ पर रहते नहीं। हम लोग ने डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए थे, क्वार्टर्स ऐसे थे कि मतलब अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स में, लग्जरीज अपार्टमेंट में भी वैसा डिज़ाइंस नहीं मिलता, अटैच बाथरूम था, किचन था, वेटिंग रूम था, सब चीज़ था, लेकिन उसके बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसका ये परिणाम निकला कि ये आज खंडर हो गया। और मैं जब से विधायक बना हूँ तब से प्रयासरत था कि किसी भी तरह हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हम लोग बना सके, लेकिन क्योंकि न्यास परिषद की बैठक नहीं हो रही थी और DMFT फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो सिजुआ प्रखंड में नहीं हो पा रहा था, तो कल न्यास परिषद की बैठक हुई है और कल की बैठक का परिणाम ये निकला है कि कल सभी लोग ने आवाज़ उठाया था, प्रमुख ने भी, मुखिया लोग ने भी, और मैंने पूर्व के दिनों में आपको स्वास्थ्य मंत्री को भी इसकी अनुशंसा की थी और आपको मुख्यमंत्री जी को भी अनुशंसा किया गया था। उसका परिणाम ये निकला कि आज पूरी टीम विजिट करी है, सिविल सर्जन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरईओ हैं जिनको इसका कार्य मिला है DPR तैयार करने का, यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ अगर हॉस्पिटल 8 महीने में बन के तैयार नहीं हुआ तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूँगा।